फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंट के बारे में और पास्ट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो आप अच्छे से रीडिंग करने के लिए, इंग्लिश के अच्छे से रीडिंग करने के लिए आपको सेंटेंस आना जरूरी है, तो आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं अगर आपको सेंटेंस आते हैं अच्छी तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं अगर आपको सेंटेंस बनाना आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश को रीडिंग करने में और इंग्लिश को पढ़ने में सेंटेंसों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए समझ लेते हैं आज कुछ और एक सेंटेंस के बारे में, जिसको हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये पार्ट वन होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें इसकी पहचान क्या होती है, फिर उसके नियम क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहचान, क्या पहचान है इसकी, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हम, जिन वाक्यों के अंत में, क्यों के अंत में अगर कहीं गा आता है या फिर गी आता है, गा गी या फिर गे आता है, ठीक है। अगर कहीं गा आता है या गी आता है या फिर गे आता है, तब गे आता है तो वह वाक्य क्या कहलाता है, वह वाक्य जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का, ठीक है। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है, ठीक है, टेंस का वाक्य कहलाता है, ठीक है। वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है, ठीक है। यहां तक बात हो गई, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें होता है कि जो भी काम होता है वो हम करेंगे या फिर हम कर चुके हैं, ऐसे वाले वाक्य आते हैं, ठीक है। मतलब फ्यूचर में बात चलती है, भविष्य काल में बात चलती है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका एक रूल देख लेते हैं, क्या रूल है इसके, क्या नियम है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे नियम। तो नियम में क्या है, अगर कहीं एक वचन कर्ता आता है, जैसे कि ही आता है, सी आता है, तब हम प्रयोग करते हैं किसका, विल का, ठीक है। यहां से लिख लेते हैं हम, इसमें प्रयोग करते हैं हम, अगर कहीं ही आता है या फिर सी आता है तब हम प्रयोग करते हैं किसका, बिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर कहीं ही आता है सी आता है, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं, और अगर कहीं आई आता है, आई बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ हम प्रयोग करते हैं शैल का, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं शैल का। और एक बात और जान लेते हैं, और करते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां तक बात हो गई, अब हम जान लेते हैं इसके कुछ नियम, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम एक यहां से लिख लेते हैं अफर्मेटिव के लिए, किसके लिए, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव को जान लेते हैं हम सबसे पहले, अफर्मेटिव क्या है देखिए, जैसे कि यहां से हम देख लेते हैं, मैं आज स्कूल जाऊंगा, ठीक है। देखिए सेंटेंस को देखें पहले, क्या है, मैं आज स्कूल जाऊंगा, तो देखिए क्या है, जाऊंगा यानी कि बात कहां पहुंच गई, भविष्य काल में, यानी कि अभी आने वाले टाइम में जाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं आज स्कूल जाऊंगा, वही हम इस नियम के अनुसार इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो आई के लिए क्या आएगा, मैं, क्या आता है आई के लिए, मैं, तो यहां पे क्या दिया है, मैं, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई, तो यहां हो जाएगा आई। अब हमने क्या बताया था नियम में, आई बी और बहुवचन कर्ताओं के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा हमारा क्या, शैल, ठीक है। तो आई शैल आ गया,
यानी कि पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर उसके बाद में क्या जो कार्य हो रहा है वो आएगा आई शैल। अब क्या हो रहा है, स्कूल जाने की बात चल रही है तो आगे जाने के लिए होता है गो। हमने बताया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है, तो हो जाएगा गो। तो आई शैल गो कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो टू स्कूल, ठीक है, आई शैल गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एक और सेंटेंस के बारे में जिसमें हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस नंबर दो हो जाएगा हमारा बह आज, बह आज बाजार, वह आज बाजार जाएगा, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा हमारा ये, क्या है, वह आज बाजार जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो वह के लिए आ जाएगा ही, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट होता है वही लिखते हैं हम, ठीक है, अफर्मेटिव में ही आ गया। अब ही के साथ क्या प्रयोग करेंगे, ही सी के साथ प्रयोग करेंगे हम किसका, विल का, ठीक है। तो हो जाएगा ही विल, ही विल, यहां तक की बात हो गई। अब क्या है, फिर वही बात है जाने की, कहां जाएगा, बाजार जाएगा, तो जाने के लिए क्या लगाएंगे हम, गो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं हम, तब गो लगाएंगे। तो हो जाएगा ही विल गो कहां जा रहा है, मार्केट, ठीक है, तो हो जाएगा ही विल गो टू मार्केट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट, ठीक है। अब इसके हो गए दो। अब हम देखेंगे किसके बारे में, अब हम देखेंगे नेगेटिव के बारे में, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, देखिए यहां से हम देख लेते हैं नेगेटिव के बारे में, यहां से लिख देते हैं हम नेगेटिव क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है, ठीक है, हमारा क्या है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है, और अफर्मेटिव की अगर बात करें हम तो अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। देखिए नेगेटिव में क्या होता है, इसमें यहाँ पे इसका एक नियम लिख देते हैं हम, नेगेटिव केवल एक है जिसको हम लिखेंगे, जैसे कि विल या शैल के बाद, विल या शैल के बाद में हम क्या प्रयोग कर देते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस बात को आप नेगेटिव में याद रखना, विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहां से हो जाएगा मैं आज, यहाँ पे हम सॉरी एक चीज भूल गए हैं, ही विल गो टू मार्केट, बात हो रही है आज की, तो आज की आ जाएगी टू डे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा टू डे, ठीक है, अब ये पूरा होगा, ही विल गो टू मार्केट टू डे। देखिए अब इसको देखें, जैसे कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, जैसे कि ये हो जाएगा। अब देखिए बात नहीं आ गया तब हो गई नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव है किसका, फ्यूचर की बात चल रही है तो फ्यूचर का ही नेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का, मैं के लिए आ जाएगा आई आ गया हमारा, सब्जेक्ट क्या हो गया आई, यानी कि मैं। अब मैं के साथ क्या प्रयोग करते थे हम, मैं के साथ आई, बी के साथ हम शैल का प्रयोग कर रहे हैं, तब हमें यहाँ आ जाएगा आई शैल। अब नेगेटिव वाला है तो यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ पर आएगा हमारा नॉट, आई शैल नॉट। अब बात हो रही है खाने की, ठीक है, तब हो जाएगा यहाँ पे ईट, फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, तो आई शैल नॉट ईट द फूड, द फूड, खाना नहीं खाऊंगा, और यहाँ पर बात हुई है आज की, तो ये हो जाएगा टू डे ठीक है। देखो यहां तक की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एक, ये तो आई वाला हो गया, अब हम बात करेंगे ही वाला या फिर सी वाला। जैसे कि यहां से एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, वह गाना नहीं गाएगी, वह गाना नहीं गाएगी, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, वह गाना नहीं गाएगी, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो वह गाएगी की बात आ रही है, तो यहाँ पर वह के लिए आएगा सी, क्योंकि लड़की है, तब हो जाएगा यहाँ पर सी। अब सी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, सी के साथ देखिए वही रूल में देख लेते हैं हम, ही और सी के साथ हमको यूज करना है बिल का,
तो ही वो सॉरी शी विल नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, शी विल नॉट। अब क्या गाना गाएगी, सबसे पहले यहाँ पे किसकी आएगी, गाने की यानी कि गाएगी की, ठीक है। तो ही वो सॉरी शी विल नॉट सिंग, सिंग माने होता है गाना, सिंग द सॉन्ग, क्या हो जाएगा इसको, सिंग द सॉन्ग, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव की ये बात हो गई, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव यानी कि जिनको बोलेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो यहां से हम बात कर लेते हैं किसके, इंट्रोगेटिव, यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके, इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्या है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम, देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो होते हैं क्या कब कहां कैसे क्यों, ठीक है, जिसमें हमसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका हम सबसे पहले एक रूल लिख लेते हैं, जैसे कि अगर क्या वाला वाक्य आता है हम बता देते हैं ऐसी, अगर क्या वाले वाक्य आता है तब उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, और उसकी अंग्रेजी के स्थान पर हम शैल या बिल का प्रयोग करेंगे, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में, ठीक है। अगर कहीं क्या वाला आता है तब हम बिल या शैल का प्रयोग करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है अगर बीच में आता है तब हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है, यहां से एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पहले क्या वाला बनाते हैं, क्या मैं, क्या मैं आज, क्या मैं आज मार्केट जाऊंगा यानी कि बाजार जाऊंगा, बाजार जाऊंगा जाऊंगा, ठीक है। क्या मैं आज बाजार जाऊंगा, तो देखिए इसमें सुनेंगे शुरू में आ गया क्या, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करते थे, आई के साथ वही हम किसका प्रयोग करते थे, शैल का, तब हो जाएगा यहाँ पे आई वो सॉरी शैल, शैल आई गो टू मार्केट टूडे, ठीक है, आई शैल गो टू मार्केट टूडे, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ तो एक इसकी बात होगी, अब हम एक और की बात कर लेते हैं जिसमें हम बिल का प्रयोग करेंगे, और एक चीज और जानेंगे उस सेंटेंस में, हम जानेंगे उसमें कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसको कहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि कल बह, कल बह कहाँ गया, कहाँ जाएगा, सॉरी इस तरीके से बनाते हैं, कल वह कहाँ जाएगा, देखिए क्या है सेंटेंस, कल वह कहाँ जाएगा, ठीक है। तब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आइए देखिए, तो इसमें कहाँ है, सबसे पहले हम इसको ही लिखेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसका, जैसे कि इस कहाँ के लिए होता है वियर, तो आ जाएगा वियर, अब क्या बात हुई है ही की, यानी कि बह, बह के लिए आता है ही, तब हो जाएगा वेयर ही। अब यहां पे हम देखिए सबसे पहले वेयर के बाद जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम जो हेल्पिंग वर्ब आती है, अब ही के साथ क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ आता है शैल, तो वेयर शैल ही, वेयर शैल ही। अब क्या बात हो रही है, जाने की बात हो रही है, तो हो जाएगा गो, अब बात हो रही है कहाँ जाने की, यानी कि कल, कल के लिए, देखो इस तरीके से बनाएंगे, सो वेयर शैल ही गो टू, वेयर सॉरी यहाँ टू नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे केवल यहाँ से हो जाएगा वेयर शैल ही गो, अब बात हो रही है कल की, तो हो जाएगा टू मारो, टू मारो, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, क्या उसके बनाने के नियम होते हैं। तो आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट करके बताना।